बेमेतरा से जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा पहुंचकर माता भद्रकाली और माता शीतला के दर्शन किए। बाद में नगर के चौक पर लगभग 40 लाख की लागत से बने सूर्य नमस्कार चौक की प्रस्तावित जगह का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। रात में लगी लाइट की व्यवस्था और रंग बिरंगी लाइटों का अवलोकन भी किया और बेमेतरा को निखारने संवारने में मेहनत कर रहे विधायक आशीष छाबड़ा को बधाई दी। गृहमंत्री साहू ने इसके बाद आशीष छाबड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का भी फीता काट कर उद्घाटन किया। तो बेमेतरा पहुंचे थे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, जहां पर उन्होंने दो मंदिरों में दर्शन किए और इसके बाद चौक पर एक कार्यक्रम में उद्घाटन किया। इसके बाद नए प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का भी उन्होंने फीता काट कर शुभारंभ किया। प्रदेश के गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी का भिम्भौरी उप तहसील के कार्यालय का उद्घाटन, लगभग 33 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, साथ ही साथ बेरला, उसके बाद फिर अंतिम दौरे में बेमेतरा शहर में सूर्य नमस्कार चौक का भूमि पूजन और साथ ही साथ जो शहर का सौंदर्यीकरण हुआ है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ माननीय गृह मंत्री जी के हाथों संपन्न हुआ। क्योंकि नवरात्रि में आने वाले समय में दर्शन कर नहीं पाएंगे और माननीय गृह मंत्री जी जब इस क्षेत्र के विधायक थे तब से लगातार माता संडी में सिद्धि माता के दर्शन, भद्रकाली माता, शीतला माता लगातार मंदिर के दर्शन करते हैं, तो आज उसी दरमियान सभी मंदिर के दर्शन लिए और प्रदेश को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए माता रानी से कामना की। महिलाओं पर बढ़ते